पसंद आपकी, पेशकश हमारी। मोहम्मदिया मंदी हाउस, नियर मोहम्मदिया शवरमा, खादरबाग, नानल नगर, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आइए निकलते हैं आज की एक अहम खबर पर। तेलंगाना में साल 2022 के आखिर तक असेंबली इलेक्शन हो सकते हैं। अभी से तेलंगाना हुकूमत इसकी तैयारियां करते हुए पुलिस डिपार्टमेंट में बड़े पैमाने पर रद्दोबदल किए जा रहे हैं। 24 दिसंबर की रात तेलंगाना हुकूमत ने 30 आईपीएस ऑफिसर के ट्रांसफर ऑर्डर जारी किए हैं। 1991 आईपीएस बैच के सीवी आनंद को हैदराबाद का कमिश्नर पुलिस अपॉइंट किया गया है, जो इससे पहले सीआईएसएफ के लिए अपनी खिदमत अंजाम दे रहे थे और कुछ वक्त से वो पोस्टिंग का इंतजार भी कर रहे थे। साबिक में सीवी आनंद साइबराबाद पुलिस कमिश्नर के ओहदे पर थे और हैदराबाद में ट्रैफिक के एडिशनल सीपी के पोस्ट पर भी ड्यूटी अंजाम दी थी। सीवी आनंद ने ही हैदराबाद में शराब पीकर गाड़ियां चलाने वालों के खिलाफ सबसे पहले ड्रंक एंड ड्राइव मुहिम शुरू की थी। इसके अलावा वो डीसीपी ईस्ट जोन की हैसियत से खिदमत अंजाम दे चुके हैं और जहां भी वो ड्यूटी करते हैं कुछ ना कुछ नया काम करते हैं, जिसकी वजह से सीवी आनंद हमेशा अच्छे और कुछ ना कुछ करने के लिए सुर्खियों में छाए रहते हैं। सीवी आनंद का काम करने का अंदाज बिल्कुल निराला है, उनकी झलक दूसरे पुलिस ऑफिसर से बिल्कुल अलग पाई जाती है। सीवी आनंद हैदराबादी जुबान में बातचीत करने में भी माहिर है। पिछले कुछ वक्त से हैदराबाद पुलिस कमिश्नर के पोस्ट के लिए सीवी आनंद का नाम चर्चों में था, जो आज पूरा भी हो गया है। 1990 आईपीएस बैच के अंजनी कुमार का ट्रांसफर सबके लिए हैदत की बात रही। कुछ दिन पहले ही अंजनी कुमार को डीजीपी रैंक हासिल हुआ था। अंजनी कुमार को एसीबी में डीजीपी के पोस्ट पर ट्रांसफर कर दिया गया। इनके अलावा एडिशनल कमिश्नर क्राइम्स के पोस्ट पर ड्यूटी अंजाम देने वाली लेडी पुलिस ऑफिसर शिखा गोयल को डायरेक्टर एसीबी के पोस्ट पर ट्रांसफर किया गया है। इनके अलावा डीसीपी वेस्ट जोन के ओहदे पर खिदमत अंजाम देने वाले एआर श्रीनिवास को शिखा गोयल की जगह पोस्ट किया गया और डी जोएल डेविस को हैदराबाद में जोन का डीसीपी बनाया गया। सीसीएस के डीसीपी अविनाश मोहंती को जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस साइबराबाद बनाया गया और इनकी जगह साउथ जोन में अर्जी तौर पर ड्यूटी करने वाले गज्जाराव भोपाल को सीसीएस का नया डीसीपी अपॉइंट किया गया है। इनके अलावा मेदक में ड्यूटी अंजाम देने वाली लेडी आईपीएस ऑफिसर चंदना दीप्ति को हैदराबाद के नॉर्थ जोन का डीसीपी बनाया गया है और बताया जा रहा है कि बहुत जल्द कहीं आईपीएस ऑफिसर्स के ट्रांसफर के इम्कान है। जैसा कि हमने आपको बताया कि 2022 इनिंग में तेलंगाना में इलेक्शन होने के चांसेस हैं, जिसकी वजह से इस तरह आईपीएस ऑफिसर्स के ट्रांसफर हो रहे हैं। तो ये थी हमारी आज की खुसूसी खबर आईपीएस ऑफिसर्स को लेकर। हमें दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज। जर्मन टेन हॉस्पिटल ऑर्थोपेडिक से मुतालिक हर मरीज यहाँ शिफायाब। इनाम याफ्ता डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, आईसीयू, डिजिटल एक्सरे, लेबोरेटरी, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर अर्जुमन सुल्ताना गायनेकोलॉजिस्ट की खिदमात हासिल। वाजिबी फीस और मुकम्मल सहूलियात से हजारों मुतमईन। एम्बुलेंस से आरास्ता जर्मन टेन ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।